स्वर्ग सा सुंदर दिखने वाले जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ जावेद अहमद ने दिव्यांग महिला और उसकी बेटी से बातचीत की। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे अमरनाथ यात्रा का काफिले जो है वो रवा दवा है। इस हवाले से काफ़ी सारी यात्रा जो है पैदल भी चल रही है और बम बम बोले की नारों की गूंज के साथ लगातार ये यात्रा बिल्कुल शदुमत से जारी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीर हम आप अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है इसमें आप देख रहे हैं कि एक ट्राईसाइकिल पे दिव्यांग, जिसे हम जिस्मानी तौर पर माजूर, अपनी माँ के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए निकली है। एक इनके साथ थोड़ा सा हल्का भी सामान है, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, एक तिरंगा भी इनके साथ इस ट्राईसाइकिल पे लगा हुआ है और बाज़ाब्ता तौर पे जो ज़रूरियात का सामान है इस ट्राईसाइकिल पे लगा हुआ है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि ये यात्रा कहां से निकली है और क्या इस तरह, यानी एक हौसला आप देखिए, एक जज्बा आप देखिए, किस तरह इन्होंने इस ट्राईसाइकिल को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल यात्रा के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए निकले हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा भाई। मेरा नाम भागवती है। जी जी जी, जी। हाँ। तो कहाँ जा रहे हैं आप? हम बाबा के पास जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है? मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप एक ट्राईसाइकिल पे आपने लगाया है, तो क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या लेके, क्या आपका नाम क्या जानना चाहूँगा? जी मेरा नाम ज्योति है, जम्मू नगरोटा से आए हूँ जी। मैं दर्शन करने जाना बाबा अमरनाथ के, और हमें रास्ते में कोई परेशानी नहीं आई। और वैसे भी मैं आपसे कुछ कहना चाहते हूँ, मैं इंडियन आर्मी की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, आप मुझे देख सकते हो। बिल्कुल। और मैं सियाचिन ग्लेशियर भी गई हूँ, हर जगह गई हूँ। तो अब मैं बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, लगभग मेरा 8 साल हो गए ट्रेन एक्सीडेंट को, जब से ही मैं एक्सीडेंट हुआ जब से ही मेरे बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ। तो वैसे भी हमारे कश्मीर के कुछ बंदे हैं वो सभी अच्छे हैं, और हमारे इंडियन आर्मी के जवान भी हर जगह ड्यूटी दे रहे हैं, और हमारे इंडियन आर्मी के जवानों की वजह से भी हम लोग सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ दर्शन करने जाते हैं और आराम से आते हैं। और हमारे कश्मीर में भी हालात बहुत ही अच्छे हैं, अभी पहले का नहीं मालूम, पर आर्टिकल 370 टूटने से सारे के सारे हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ सारे हालात अच्छे हैं। और मैं कहते हूँ सभी से कि पूरी दुनिया से गुजारिश करते हूँ, कश्मीर आएँ, कश्मीर का नज़ारा देखें, कश्मीर में कोई प्रॉब्लम कोई कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेफ है और अच्छा है। इनकी स्टोरी जो सामने आ गई है, इनका कहना है कि ये बिल्कुल दिव्यांग होने के बावजूद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकली है, और इस बीच उन्होंने जो अपने साथ आया पेश आया हादसा जो इन्होंने उसका जिक्र किया, यकीनन उसके बाद इन्होंने फौज की तरफ से इसे मेडल्स भी मिले हैं, क्योंकि ये सियाचिन भी गई है और काफ़ी सारी बुलंद चोटियों पर भी गई है, और हालांकि इनका शौक था लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इन्हें एक्सीडेंट पेश आया, ट्रेन एक्सीडेंट इनका कहना है। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त की तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा, ये बाज़ाब्ता तौर पे अमरनाथ यात्रा के लिए निकली है, और दिव्यांग होने के बावजूद इसने कोई जंग नहीं है ज़िंदगी की, जो भी अड़चने आई हैं इसने बहुत अच्छी तरह से उन्हें गले लगाकर आगे बढ़ती गई। खबर फास्ट के लिए मैं श्रीनगर से जावेद अहमद।